देश दुनिया पर छाए कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तीसरी बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने आज खत्म होने जा रहे लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों के साथ शपथ पत्र विजय सूत्र साझा करते हुए उनसे सात बातों में साथ भी मांगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 1211 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इस अवधि में 31 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में कोरोना के संक्रमण में कुल मामले 10,363 हो गए हैं, जबकि अब तक इससे 339 लोगों की मौत हो चुकी है। अग्रवाल ने बताया कि संक्रमण मरीजों में से अब तक 1,036 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से ठीक 3 घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के नाम अपना एक वीडियो संदेश दिया है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो में सोनिया ने कहा कि कोरोना संकट में डॉक्टर, सफाई कर्मियों, पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों के डटे रहने से बड़ी देशभक्ति और कोई नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि एकता, अनुशासन और आत्मबल के भाव से देश कोरोना को पराजित कर देगा। उन्होंने कहा, आज कोरोना संकट से निपटने में आप सभी के इस लड़ाई में खड़े रहने से बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है। हम इस मुश्किल समय में आपके परिजनों, पति, पत्नी, बच्चों, माता पिता के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। सोनिया ने कहा कि जोखिम होने के बावजूद आपके सहयोग और समर्पण से ही आप इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। इसको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही संपन्न लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आकर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकारें संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आज प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए किया गया निर्णय है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित लॉकडाउन के उपायों को पूरी तरह लागू करेगी। मंगलवार सुबह राष्ट्र के नाम टीवी पर प्रसारित संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मौजूदा बंद 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बंद उपायों को पूरी तरह लागू करेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।